नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर अपना खास शो F&O हॉटलाइन। मैं हूं साक्षी बत्रा। अगले आधे घंटे के दौरान जो भी आपकी F&O से रिलेटेड क्वेरीज होंगी हम एड्रेस करवाएंगे। हमारे साथ दो मार्केट एक्सपर्ट्स होंगे, राजेश पालविया होंगे और साथ ही हमारे साथ ब्रजेश कुमार भी होंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट्स का ताजा हाल देख लेते हैं। आज सुबह से ही अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है और आज F&O की जो बड़ी बातें हैं सबसे पहले उन्हीं पर नजर रखते हैं। बाजार में आज तेजी है, निफ्टी 10,350 के करीब कर रहा है कामकाज। इनफैक्ट एग्जैक्ट स्पॉट लेवल वही देखने को मिल रहा है, 1.5% तक के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी की 10,300 की पुट में इस वक्त बिकवाली बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही अब तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं जहां पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त बाजार में है, फार्मा शेयरों की आज सेहत में क्लियर कट सुधार देखने को मिल रहा है। भले ही आप फ्यूचर्स की बात करें या फिर स्पॉट मार्केट, दोनों में ही अच्छी खासी बढ़त। टायर शेयर एक और यहां पर पॉकेट है जहां पर काफी अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। अच्छी बढ़त पूरे ही टायर स्पेस में आज के सेशन पे देखने को मिल रही है। आज के पांचवा बड़ा बात है तेल और गैस शेयर, यहां पर भी आज बाजार का काफी फोकस है। इन सभी शेयर में आज काफी उबाल या फिर काफी उछाल देखने को मिल रहा है। इस वक्त बाजार में तेजी का ही रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हमारी एक बड़ी खबर जो कि ब्रजेश लेकर आ रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ ब्रजेश मौजूद भी हैं। खास तौर पर डिफेंस स्पेस के लिए बड़ी खबर है, FRCB प्रोजेक्ट के बारे में है, जब इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेयर्स भी बड़ी बोलियां लगा रहे हैं इंडियन डिफेंस स्पेस के लिए। टैंक्स युद्ध के लिए एयर डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने के लिए उन्होंने बड़ी बोलियां लगाई हैं। सारी एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है। बताइए ब्रजेश। जी, FRCV प्रोजेक्ट है ये, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। यानी सरल भाषा में अगर कहें तो ये जो मौजूदा हमारे जो सेना के टैंक हैं उनकी उसमें अच्छी क्षमता, नई टेक्नोलॉजी और हल्के वजन वाले ये टैंक होंगे। FRCV के तहत 1771 टैंक का जो सेना ने बनाने के लिए जो कहेंगे कि EOI निकाला है और उसमें तीन बड़ी कंपनियाँ जो है वो हिस्सा लेने वाली हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो BAE सिस्टम जो उनकी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके साथ इसके लिए बोली लगाएगी और एल एन टी डिफेंस वो जो है अपने दम पर इसमें बोली लगाएगी और टाटा जो है जनरल डायनेमिक्स और भारत फोर्ज के साथ उनका मिलकर एक इनकी जो इनका इनकी कंपनी जॉइंट वेंचर ये तीन कंपनियां हैं ये अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग जॉइंट वेंचर के साथ मिलकर इसमें बोली लगाने वाली हैं। 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपये का करीब ये प्रोजेक्ट है और 2025 के आसपास जो है इसका जो है ये बनकर ये इनको डिलीवरी करनी होगी और इनकी 25 से 30 साल की इन टैंक्स की जो है मियाद होगी और ये जो है वो सेना के लिए काफ़ी अहम होंगे क्योंकि जो मौजूदा टैंक हैं वो काफ़ी भारी हैं और उनको अगर ऐसी जगहों पर अगर डेजर्ट वगैरह को छोड़ दिया जाए जैसे पहाड़ों पर ले जाना हो या ऐसी जगहों पर ले जाना हो जहाँ ऐसे पुलों को पार करना हो जहाँ जिनकी बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है तो वहाँ पर अभी ये रुकावट थे तो मौजूदा जो रूस के जो T-72 टैंक हैं उनको धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा और भारी तोप हटाए जाएंगे और वहाँ पर उनके बदले ये FRCV वाले ये टैंक आएंगे जो जिनका वजन कम होगा लेकिन क्षमता बहुत अच्छी होगी और यहाँ पर जो भारतीय कंपनियाँ हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा मौका आएगा। ये 2025 के आसपास तक इसकी डिलीवरी करनी है, कंपनियों को 20 दिसंबर तक इसमें बोली लगानी है। ये पहले कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म बनाकर देना होगा यानी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर तोप भी लगाया जा सकता है, आर्मर्ड एम्बुलेंस भी हो सकता है, एयर डिफेंस गन भी लगाई जा सकती है। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार करके कंपनियों को पहले देना होगा और ये मॉडल कुछ इस तरह से होगा कि पहले कंपनियां जो है अपनी टेक्नोलॉजी देंगी। जाहिर सी बात है जैसा हर बोली में होता है कि पहले एक टेक्निकल बिड आती है फिर फाइनेंशियल बिड आती है तो इन सारे पैरामीटर्स को पार करके कंपनियों को यहाँ तक पहुँचना होगा और उसके बाद जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो खुलेगी। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। तो भारत सरकार की तरफ से डिफेंस स्पेस को और बूस्टर डोज देने के लिए एक ये नया प्रोजेक्ट है, फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल, जिसका पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट समवेयर अराउंड 60,000 करोड़ की है। बोलियां लगा रही है कुछ नामी कंपनियां जिसमें भारतीय नाम भी है, M&M, L&T, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ड जैसी कंपनियां, इनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। 20 दिसंबर तक इनको अपनी इंटरेस्ट दिखाना है कि यहां पर ये इंटरेस्टेड है इस पूरी स्पेस को डेवलप करने के लिए और इसके लिए उनको 2025 तक का टाइम दिया गया है जब उनको ये सभी प्रोडक्ट्स डिलीवर भी करने होंगे और धीरे धीरे जो भारतीय सेना में अभी टैंक्स हैं वो फेड आउट होकर ये नए लाइट वेट और क्षमता वाले जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं ये सब बाहर आते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया ब्रजेश ये सारी ही जानकारी देने के लिए। चलिए अब स्वागत कर लेते हैं, आज के हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश पालविया हमारे साथ। राजेश बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, शुक्रिया हमें आज के दिन समय देने के लिए। आज बाजार में काफी अच्छी तेजी है, 10,350 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, आगे अभी आपको निफ्टी के क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं?
आज जिस तरीके से बाजार ने एक तेजी का रुख दिया है, 10,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक 10,400 पे एक थोड़ा सा स्मॉल हर्डल है मार्केट के लिए। अगर 10,400 का एक लेवल क्रॉस होता है तो मुझे लगता है ये 10,450 से 10,500 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ से अगर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वह 10,300 का है, जैसा आप अभी बता रहे थे 10,300 के पुट में हमें अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ से एक बेस बनेगा 10,300 10,200 पे, वैसे भी हाईएस्ट पुट कॉन्सेंट्रेशन है तो उसके हिसाब से भी 10,300 10,200 एक बेस है यहाँ से। सो मुझे लगता है 10,300 के ऊपर ट्रेड करता रहा मार्केट तो 10,450 10,500 के लेवल हमें आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, 10,500 टेक केयर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 10,300 10,200 एक अहम सपोर्ट है बाजार के लिए, तेजी का ही रुख देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी अपने सवाल लेकर जुड़ रहे हैं, एक एक करके उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। सबसे पहले पुणे चलते हैं, प्रसाद गोसावी हमारे साथ मौजूद हैं अपना सवाल लेकर। नमस्कार प्रसाद, पूछिए। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरे पास एलएनटी के 1240 के कॉल है 22.50 रुपीज से, एंड रिलायंस का 940 का एक कॉल है जो हमने आज ही लिया है 15 रुपीज से। ऑल राइट, चलिए दोनों पर रणनीति आपको बता देते हैं। राजेश, आप स्टडी करके बताइए चार्ट्स। एलएनटी 1240 की कॉल 22.5 और रिलायंस की 940 की कॉल आज ही इन्होंने खरीदी है 15 रुपए पर, क्या कर सकते हैं? जी दोनों स्टॉक मुझे ठीक लग रहे हैं। अगर मैं पहले रिलायंस की बात करूं तो 945 की अगर इन्होंने कॉल परचेस की है तो मुझे लगता है कि इन्हें बने रहना चाहिए। रिलायंस में तेजी का ही रुख लग रहा है, मुझे लगता है रिलायंस यहां से 955-960 तक के लेवल दिखा सकता है एक्सपायरी के पहले। सो ये बने रहे, अगले एक दो दिन में मुझे लगता है इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है रिलायंस में, रिलायंस की कॉल में। एलएनटी का जो कॉल लिया इन्होंने 1240 का, सो ऑलमोस्ट एलएनटी एक ब्रेकआउट के नजदीक, ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका ब्रेकआउट लेवल है 1245 का जो कि एक मजबूत हर्डल है अभी यहां से इमीडिएट। अगर ये ब्रेकआउट इस एक्सपायरी में देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है एलएनटी यहां से 1265-1270 इमीडिएट बेसिस पे हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं नियर टर्म में। सो अगर इसमें अगर यहां से इन्होंने पोजीशन बना के रखी है तो यहां से 1210 का स्टॉप लॉस अडॉप्ट कीजिए। स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं मैं एलएनटी में, 1210 का स्टॉप लॉस लीजिए और इसमें कॉल में भी होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। चलिए दोनों ही कॉल्स में होल्ड करने की सलाह। रिलायंस काफी अच्छा लग रहा है, अच्छे मुनाफा आपको हो सकता है यहां पर। एलएनटी में स्पॉट के लेवल पर 1210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को, यह राय आपको मिली है राजेश की तरफ से। अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, जमशेदपुर चलते हैं। एसके मलिक साहब हमारे साथ हैं। मिस्टर मलिक, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरे पास टाटा मोटर्स का फ्यूचर मैंने लिया है एक लॉट 545 से, 545 और 445 सॉरी 445 से। ठीक है, जान लेते हैं एक बार ही क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी आपके लिए है। टाटा मोटर्स अभी आपको कैसा लग रहा है राजेश? एक फ्यूचर का लॉट है 445 पर। जी टाटा मोटर में इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो 435-440 एक हर्डल है स्टॉक के लिए। ऑलरेडी इनकी पोजीशन ऑलरेडी 445 पे, अभी 429 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो मुझे लगता है कि एक यहां से पुलबैक के चांसेस बनेंगे 440 के आसपास। अगर ये स्टॉक 440 क्रॉस करता है तो यहां से नेक्स्ट टारगेट हमें 460 का देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी है, नजदीक है हम एक्सपायरी के नजदीक। अगर ये अगले एक दो दिन में 440 के आसपास ब्रेकआउट मिलता है तो इन्हें बने रहना चाहिए, अदरवाइज 440 के आसपास ये पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, उसी हिसाब से आप आगे बढ़िएगा, अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, राजेश हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं एफएनओ हॉटलाइन और हमारे साथ राजेश पलविया मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। अपनी अगली क्वेरी के लिए चलते हैं हम जमशेदपुर, संतोष हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास हिंडाल्को का ऑप्शन है 300 के प्राइस पे, एक लॉट लिया था 3 रुपए पर। ठीक है, जान लेते हैं एक बारी कि क्या कर सकते हैं आप, बताइए राजेश जी। हिंडाल्को की 300 की कॉल है 3 रुपए पर, क्या करें? जी 300 की कॉल तो यहाँ से बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल है, मुझे लगता है कि उसमें अभी प्रीमियम बची भी नहीं होगी ऑलमोस्ट। सो मुझे लगता है कि इसमें 300 तक का मूव तो इस एक्सपायरी में देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो इस कॉल से निकल जाना ही ठीक रहेगा, जो भी अभी रेट है करंट मार्केट प्राइस पे निकल जाना ही ठीक रहेगा। 300 तक का मूव तो बहुत डिफिकल्ट है हिंडाल्को के लिए।
चलिए एग्जिट करने की सलाह आपको अपने कॉल से दी जा रही है क्योंकि ये लेवल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं फिलहाल एक्सपायरी से पहले, इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजी बताई गई है। लेकिन अब वक्त हो चला है आज के सौदे की। आज का सौदा लेकर आए हमारे साथ रजत। ये आपको जानना जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा ट्रेड है जो कि जोरदार कमाई करवा सकता है, और यही ट्रेड लेकर अब हमारे साथ रजत भी मौजूद है। बताइए रजत, आज का सौदा। एक निफ्टी की कंपनी है यूपीएल लिमिटेड, इस पे आप नजर रखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है, अब लोअर लेवल से एक पुल बैक दे रहा है ये स्टॉक, और ये पुल बैक देखिए बहुत स्मार्ट है। इसमें जिस तरीके से चढ़ा है, इनफैक्ट वीकली चार्ट पे लगातार तीन हफ्ते से ये स्टॉक टूटा था और इस बार इसने पुल बैक दिया, तो आर्ली चार्ट्स डेली चार्ट्स तो मजबूत हुए हैं जो इसको अब 753 तक के जोन्स तक ले गए हैं। लेकिन ये तेजी अभी और बढ़ सकती है क्योंकि निफ्टी पे अब कुछ उन कंपनियों पर फोकस ज्यादा हो जाएगा जहां पर परसेंटेज में ज्यादा इस समय तेजी है और जहां पर वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं वायदा कारोबार पे। आज तेजी के सौदे बने, अभी ओपन इंटरेस्ट मात्र 1.5% 2% के आसपास की बढ़ा है, लेकिन ये बता दूं कि ओपन इंटरेस्ट में कुछ बहुत बड़ा बदलाव पिछले कुछ दिनों में नहीं था। हो सकता है कि लोअर लेवल से खरीदारी जो है वो बढ़ जाए। ऊपर से डिलीवरी वॉल्यूम्स देखिए आप, 8-17 के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 60% के हैं इस शेयर पे। एक और क्वेश्चन देता है स्टॉक को, आर्ली चार्ट्स और डेली चार्ट्स पे कुछ पुलबैक ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं और ये पुलबैक ट्रेड्स इसको इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर जरूर लेके जाएंगे। आर्ली चार्ट्स के हिसाब से अगर आप टारगेट्स देखें तो वो 766 के जोन्स पे यहां पर निकल के आता है। यूपीएल का अगला टारगेट होगा 770 से 772 की रेंज पे, लेकिन ये टारगेट 766 772 तक के लेवल्स ये जरूर हासिल करेगा। आप स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 743 से 745 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर यूपीएल लिमिटेड पे खरीदारी कर सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स पे इस समय एक्शन स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है वायदा कारोबार पे आउट परफॉर्म कर जाए। ऑल राइट, आउट परफॉर्म कर सकता है वायदा कारोबार में 772 के लेवल्स यूपीएल लिमिटेड, ये आपके रडार पर होना चाहिए। ऑलरेडी आप देख सकते हैं दिन के उच्चतम स्तरों पर 3.5% तक की बढ़त ये ऑलरेडी दे चुका है, यानी कि और यहां से अब तेजी बढ़ सकती है। अगर आपने अभी तक ट्रेड नहीं लिया तो ये ले सकते हैं, आज के लिए ये सौदा है। शुक्रिया रजत आपका आज का सौदा बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए अगेन रुकेंगे यहां पर और राजेश हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अपनी क्वेरीज लेकर मौजूद रहिए हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं एफएनओ हॉटलाइन, राजेश पलविया हमारे साथ मौजूद है आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। हमारे साथ दर्शक भी अगले मौजूद हैं, हमारे साथ नीलम है गाजियाबाद से, उन्होंने कॉल किया है। नीलम जी गुड आफ्टरनून, पूछिए। मैम मैंने कैंसिल होम के 2 लॉट लिए हैं 480 के रेट पे, तो मैं क्या करूँ? ठीक है राजेश, अभी क्या कहेंगे? आज तो खबर भी यहाँ पर ये आ गई है कि कैनरा बैंक यहाँ पर नॉन कोर एसेट्स को बेचने के लिए कुछ हिस्सा डाइवेस्ट करेगी, उनमें से 3 यूनिट्स में से कैनफिन होम्स का भी नाम शामिल आया है, जिसके बाद यहाँ पर आज दबाव भी देखने को मिल रहा है स्पॉट प्राइस पर। 480 के भाव पर 2 लॉट लिए हैं, क्या करें? जी अगर ये थोड़ा इसमें वेट कर सकते हैं तो मुझे लगता है 480 का लेवल इन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें अगर हम पैटर्न देखें तो इसमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन के लिए अगर ये 475-480 का लेवल क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड इन्हें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। सो यहाँ से अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ से इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा 460 का, और एक बार स्टॉक 475-480 के ऊपर ट्रेड करेगा तो मुझे लगता है ऊपर में इसके टारगेट 500-510 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ से 460 का एक स्टॉप लॉस इन्हें अडॉप्ट करना चाहिए इस ट्रेड के लिए। ऑल राइट, होल्ड करके रखिए, अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 460 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर ये 475-480 के आगे भी जाता है तो 510 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड ऑन कीजिए, ये राजेश की तरफ से राय है। राजेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज के इस खास एडिशन में मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों की क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे सुपर फास्ट फ्यूचर्स क्लोजिंग स्पेशल रजत के साथ। नमस्कार। नमस्कार, सुपरफास्ट फ्यूचर्स क्लोजिंग स्पेशल में आपका स्वागत है। तेजी है मार्केट पे और दिन के उच्चतम स्तर के करीब कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ये जो तेजी है ना आधे फीसदी की, शुरुआती टिक्स में बन गई थी, उसके बाद एक रेंज में कहूंगा कि बाजार ने पकड़ ली, सरेंडर नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आधे फीसदी का गेन ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है निफ्टी के, लेकिन इंपॉर्टेंट है 10,300 और 10,200 की पुट, आज हेविली राइटिंग यानी कि बिकवाली इन दोनों ही स्ट्राइक्स पे देखने को मिली है। इसके मायने क्या है और क्या बाजार यहां से अभी और चढ़ेगा, ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो मैं शो में उठाऊंगा। लेकिन आज ऑप्शन राइटर्स का दिन है, जिन्होंने भी पुट बेची होती है अच्छी कमाई होती है उनको,
आज एक पॉकेट चढ़ी और बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं उसके, वो है फार्मा। लोअर लेवल से एक पुल बैक ट्रेड बन रहा है और निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डीज, 6% की तेजी इस स्टॉक में है। इसके अलावा सन फार्मा और नॉन इंडेक्स स्टॉक बुखार्ट, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर तेजी बनी। टायर स्टॉक्स में तेजी और तेल गैस शेयर्स में तेजी। मेरे साथ राजेश पलविया साहब एक्सिस सिक्योरिटीज से, विशाल मलकान मलकानसवीर.com से और साथ साथ किरण जाधव.com से मौजूद हैं। और इन तीनों से ही जानने की कोशिश अब ये है कि बाजार का अगला मूव जो आएगा उसमें कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं और बाजार की अगली डायरेक्शन क्या होगी। आप सभी का ही स्वागत है। सबसे पहले किरण जी, मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। मार्केट्स बताएं, यहां से कुछ पुल बैक यानी कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी या फिर वन वे ट्रैक पे चलते चले जाएंगे अभी? जो डेरिवेटिव डेटा निकल के आ रहा है मुझे लगता है कि इधर से काफी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए और एक 50-55 पॉइंट बिल्कुल इस निफ्टी में देखने को मिलेंगे। जो 10,300 में पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और 10,500 एंड 10,400 में जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इसका अंदाजा ये लगता है कि एक्सपायरी 10,450 इसके बीच में हो जानी चाहिए। तो नीचे से अभी काफी अपसाइड है और जिस तरीके से हम 10,300 के ऊपर कंसिस्टेंटली रह रहे हैं, मेरा मानना है कि अभी भी शॉर्ट कवरिंग बाकी है और जो टारगेट्स मैंने कहे वो आने चाहिए। विशाल जी, आपके हिसाब से निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या है? क्या स्टॉप लॉस लगाएं अगर तेजी का सौदा बना लें तो? मुझे लगता है एक और थोड़ी तेजी जारी रहेगी और क्योंकि मोमेंटम अच्छा है और काफी स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक 320 का स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 410 से 420 का टारगेट देखा जा सकता है। अच्छा, ये स्पॉट के हिसाब से सर निफ्टी? यस। अच्छा, निफ्टी बैंक पे टारगेट बताएं, यहाँ पर आज उतनी तेजी तो नहीं बनी, कंपैरेटिव पूछ रहा हूँ मैं निफ्टी से। निफ्टी बैंक में भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा एक सेटअप है और नए जोन में है तो कोई ऊपर लिमिट नहीं है, तो एक 25,700 का स्टॉप लॉस रख के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर में 26,200 से 250 का टारगेट देखा जा सकता है। 26,250 का टारगेट, 25,700 का एक स्टॉप लॉस निफ्टी बैंक पे देखने को मिल सकता है। विशाल जी, आपसे ना मैं यहाँ पर स्टॉक्स पूछूंगा, सीधा बताएं दो स्टॉक्स जो आपको लगता है कि मार्केट पे अभी तेजी हो सकती है तो इन स्टॉक्स पे निफ्टी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। मुझे डेफिनेटली लगता है कि एक स्टॉक जो बाटा, जो एक अच्छे सपोर्ट पे है 750 के और उसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया वीक लास्ट 2-3 वीक में, तो उसको एक 4743 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है और ऊपर में 790 का टारगेट देखा जा सकता है अगले 2-4 दिनों में। ठीक है, और दूसरा स्टॉक? और दूसरा स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा, जो आईटी स्टॉक्स में काफी एक मोमेंटम अच्छा दिख रहा है, उसमें से एक टेक महिंद्रा मुझे लगता है एक लीडिंग हॉर्स रहेगा और उसमें 480 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, उसमें 525 का टारगेट देखा जा सकता है। ये टारगेट 525 के कितने ट्रेडिंग सेशन, एक या दो ट्रेडिंग सेशन? अगले दो से तीन या चार, मैक्सिमम चार सेशन तक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया विशाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेक महिंद्रा 480 का स्टॉप लॉस टारगेट 525, इस पे आप 2 से 3 दिन का व्यू है, देखिए कि यहाँ पर स्लो मूवर है और हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम ले, लेकिन 525 का टारगेट होगा। बाटा 790 का टारगेट और 743 का एक स्टॉप लॉस यहाँ लगाना होगा। लेकिन राजेश जी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि निफ्टी पे लोअर लेवल से जो खरीदारी बनी है पिछले कुछ दिनों में, ये आपको लगता है कि निफ्टी को 10,450 तक के रेंज तक ले जा सकती है या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करना चाहिए? बायन डिप्स की मार्केट होगी। जी, यहाँ से अगर लेवल की बात करें तो 10,400 एक महत्वपूर्ण लेवल है। अगर वो लेवल एक्सपायरी के पहले हम क्रॉस कर लेते हैं तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिलना चाहिए मार्केट में, जो कि हमें नए लेवल की तरफ 10,500 की तरफ भी ले जा सकती है। बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी स्टिल अडॉप्ट करना चाहिए। 10,300 बहुत अच्छा बेस है, तो मुझे लगता है अगर कोई गिरावट भी आती, कुछ प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें इंट्राडे सेशन में या छोटी मोटी गिरावट 30-40 पॉइंट की मिलती है, तो वो एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। 10,330-10,320 एक अच्छा लेवल है, वहां आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। 10,290 का स्टॉप लॉस अडॉप्ट कीजिए। मुझे यहां से लगता है इमीडिएट फर्स्ट टारगेट मेरा 10,400 रहेगा और वो लेवल क्रॉस होता है तो 10,450-500 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो तमाम स्टॉक, तमाम जो कॉल्स आई हैं निफ्टी पे वो खरीदारी के लिए ही हैं और जो ये लक्ष्य निकल रहे हैं 10,400-10,410 की रेंज पे निकल रहे हैं। लेकिन एक पॉकेट देखते हैं, वो एक्टिव है मार्केट पे आज, टायर स्टॉक्स। बहुत समय बाद लोअर लेवल से कुछ खरीदारी आज टायर स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। सीएट आज अच्छे गेन्स में कामकाज कर रहे हैं। अपोलो टायर्स एक और स्टॉक, MRF, इन तमाम स्टॉक्स पे आप देखिए आज पोजीशंस जो है वो तेजी की बनती हुई नजर आई। जेके टायर डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा नहीं है। ये
राजेश जी आप बताएं, अगर C8 में अगर खरीदारी करी हो किसी ने तो क्या उनको होल्ड करना चाहिए या फिर यहां से तेजी बढ़ सकती है क्या? जी मुझे लगता है कि जिसने पोजीशन नीचे के लेवल में बनाई है उसे तो होल्ड करना चाहिए। इवन यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से भी यहाँ से तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, C8 मुझे लगता है यहाँ से तेजी यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए। 1850-1860 तक के टारगेट हमें यहाँ से C8 में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 1808 का एक स्टॉप लॉस एडॉप्ट करना चाहिए। C8 में बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हो रहा है, स्टॉक में नीचे के लेवल से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड हमें अगले एक या दो दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। तो C8 में यहाँ से तेजी बढ़ सकती है और 1860 तक के लक्ष्य 1808 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आज तेजी में ये स्टॉक। किरण आपकी राय, C8, अपोलो टायर्स, MRF, बालकृष्ण, कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल, C8 पे बात हुई है, अभी अपोलो पे बात करेंगे। अपोलो भी चार्ट पैटर्न में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। आज भी इधर OI इंटरेस्ट करीबन 4% का बढ़त देखने को मिल रही है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे 450 और 456 ये लेवल्स रहेंगे और अगर किसी के लॉन्ग पोजीशन है तो 240 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस सेल करूंगा। अच्छा किरण, आज ये जिस तरीके की तेजी फार्मा स्टॉक्स पे, आप कोई भी फार्मा स्टॉक पे अगर पॉजिटिव बेट लेते हैं तो आज रिवॉर्ड मिलता है डेरिवेटिव्स में। सबसे ज्यादा तो बढ़ गया डॉक्टर रेड्डीज, उसके अलावा वोकार्ड, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर स्ट्रेटजी बनानी हो अभी कौन से स्टॉक पे व्यू पॉजिटिव होगा सर? वोकार्ड भी है और सन फार्मा भी है, दोनों ही काउंटर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर ऑप्शन स्ट्रेटजी करनी है तो वोकार्ड पे करने की सलाह दूंगा। 760 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए जो कि करीबन 17.5-18 रुपए में मिल रहा है, वो लेना चाहिए और स्टॉप लॉस 13 का रहेगा। अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस का व्यू रखना चाहिए और ऑप्शंस में प्रीमियम करीबन 34 के मिलने चाहिए। जिस तरीके से इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो कि 730 और 735 ये इसने आज तोड़ा है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर चल रहा है जो कि करीबन 780 के करीब होगा। अगर ये टारगेट हासिल होते हैं तो जो मेरा प्रीमियम है 34-38 का वो अचीव होता नजर आएगा। अच्छा, यानी अगर किसी को रिस्क लगता है इस ट्रेड में तो शायद 780 या 800 का कॉल बेच के भी काम किया जा सकता है, तो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी रहेगी। हाँ ठीक है, आप ये 780 का टारगेट बता रहे हैं, यहाँ पर वो खर्च जो हासिल कर लेगा स्पॉट के हिसाब से 780 स्पॉट के हिसाब से? बिल्कुल। अच्छा 780 तक पहुंच गया तो ये जो 18 रुपए मिल रही है ना कॉल 760 की, ये हो जाएगी 34-35 के रेंज पे पहुंच जाएगी। स्टॉप लॉस 13 का स्ट्रेट पे कैरी करना होगा। एक बार अगर हम यहाँ पर फार्मा पे बात कर ही रहे हैं किरण जी, तो एक बार ये दोनों स्टॉक्स देख के बताएं, सिप्ला और सन फार्मा निफ्टी का हिस्सा है इसलिए पूछ रहा हूँ, दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर हम मीडियम टर्म चार्ट्स का जायजा भी लेते हैं तो अच्छे खासे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लिया था, इसका ऊपर एक मूव हुआ, उसी को टेस्ट करते हुए वापस अब एक बार यू टर्न ले रहा है, तो मेरा मानना है कि इधर भी एक काम किया जा सकता है। मेरे पास प्रीमियम्स इसके नहीं है पर अगर टेक्निकल चार्ट देखे जाए तो 630-640 के कॉल्स बाय करके चल सकते हैं, तो एट द मनी 620 के कॉल्स भी बाय किया जा सकता है। अभी स्पॉट में अगर 610 के नीचे जाता है तभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, नहीं तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस या नवंबर सीरीज के सौदे में रखने चाहिए। तो यहाँ पर लोअर एंड से जो खरीदारी बनी है वो हो सकता है और बढ़ जाए, एंड स्टॉक्स पे आप व्यू पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। चलिए, लेकिन एक छोटे से वक्त ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाते थे बता देते हैं आपको कि हम इस शो में जो भी कॉल्स बताते हैं उनका रीकैप आपको जरूर बताते हैं और ये जो स्टॉक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं ये आपको बाजार शुरू होने से पहले बताए गए थे। स्ट्राइड, शासून जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में कमाई करा सकते हैं। आज कमाई हुई ठीक है, 7,000 के आसपास का रिटर्न था। साउथ इंडियन बैंक 6,000 से ऊपर की कमाई करा गया और HDFC लिमिटेड, क्योंकि NBFC पॉकेट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है इस मार्केट को, यहाँ पर आज लगभग 5,500 रुपए के आसपास की कमाई हुई है। ऐसी कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कुछ स्टॉक्स पिछले 5-10 मिनटों में ही बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुए हैं मार्केट में, उसमें एक है एस्कॉर्ट्स। लोअर लेवल से खरीदारी जो है वो देखने को मिल रही है और दिन के उच्चतम स्तर पे पाएंगे आप एस्कॉर्ट्स को, अच्छी खरीदारी, एक अच्छा पुल बैक, 1.5% के आसपास की कमाई यहां पर है। और बाटा ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बाटा पे भी खरीदारी जो है वो अभी अब बढ़ रही है
यहां पर अच्छी तेजी स्टॉक में आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन किरण आप ये बताएं जैन इरिगेशन पे क्या करना चाहिए, बीच दो ट्रेडिंग सेशन से जैन इरिगेशन पे रिटर्न पॉजिटिव है, ये अब तेजी रुकेगी या फिर और तेज हो सकता है जैन इरिगेशन? बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है और आज तो इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट भी मिल चुका है। जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था करीबन 111-112 का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ इसने तोड़ा है, तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अपसाइड देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस करीबन अभी ट्रेल करना चाहिए, 113 का स्टॉप लॉस है, 12.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा मानना है कि 119 से 121 के टारगेट्स आपको अगले दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। राजेश जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कैसी लग रही हैं आपको और यहां पर कोई ऑप्शन ट्रेड होगा क्या? जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में मुझे एक बीपीसीएल अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर मैं देखूं तो इसमें लास्ट 4-5 दिन से एक लोअर लेवल पर अच्छी बाइंग देखने को मिल रही, तो एक्सपायरी के चलते मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए और यहां से मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें 520 का कॉल ऑप्शन में पोजिशन बनाई जा सकती है। अच्छा। करीब 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये 520 का कॉल 8 रुपए के आसपास यहाँ से बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है 14-15 रुपए के टारगेट इसमें हमें अगले एक या दो दिन में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा राजेश जी, एक बार ये टाइटन भी देख के बताएं, आज तो कमाल कर दिया स्टॉक ने। देखिए डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है और ज्वेलरी स्टॉक्स में खरीदारी है, टाइटन पे आप नेक्स्ट मूव कहां तक देखते हैं, आप तेजी बढ़ सकती है क्या? जी हाँ, टाइटन एक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें एक बहुत अच्छा रनअप के बाद ये ऊपरी लेवल पे ही कंसोलिडेट हो रहा है, इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग जो भी थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। मुझे लगता है यहाँ से ये मूव कंटिन्यू रहना चाहिए, 825-830 तक का मूव आना चाहिए। तो अगर यहाँ से करंट लेवल से भी कोई बाय करना चाहे तो 825-830 के टारगेट के लिए टाइटन में बाय की पोजिशन मैं यहाँ से एडवाइस करूंगा। बाय किरण, कोई और स्टॉक है जिसको आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं अभी मार्केट में? वीगार्ड था पर मेरा मानना है कि इसका स्टॉप लॉस टूट गया है तो ये रेकमेंड करना नहीं चाहूंगा। पर अभी अगर 5 मिनट मिलते तो नया स्टॉक अगर कोई मिलता है तो मैं, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ किरण, ये एनटीपीसी देख के बताएं, ये जो मूव है ना आज का ही नहीं है, पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से आज और जो पास सेशन था उसमें एनटीपीसी लोअर लेवल से बहुत स्मार्टली रिकवर कर गया। बिल्कुल, एनटीपीसी है स्ट्रॉन्ग पर इसमें जो हमेशा जब बढ़त जो देखने मिलती है वो स्विंग वो पूरी होती नजर आ रही है। हालांकि इसमें काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं, करीबन 15% ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो लास्ट स्विंग हाई था वो करीबन 186 का था, वो आज का भी टॉप वही है, तो वही एक थोड़ी सी परेशान वाली बात है। पर अगर 186 निकल जाता है तो 191-192 के टारगेट्स पोजिशनल हिसाब से देखने को मिल जाने चाहिए। और केपीआईटी टेक एक बार अगर आप इसके चार्ट्स देख के बता सकें तो राजेश जी आप ही देख के बताएं, केपीआईटी टेक क्या यहाँ खरीदारी अभी और देखने को मिल सकती है? आज बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है ट्रेडर्स के, तो केपीआईटी टेक और थोड़ी देर पहले जो हम टेक महिंद्रा की बात कर रहे थे वो एक्टिव है मार्केट में। जी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक और ये हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है, तो स्टॉक में जिस तरीके की आज के सेशन में ही बाइंग देखने को मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर ये 170 के ऊपर सस्टेन रहता है तो ये तेजी और कंटिन्यू रहेगी। 178-179 के टारगेट हमें इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से बहुत छोटा स्टॉप लॉस या बहुत छोटा लेवल है 169-170 का एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ से भी पोजिशन तेजी की बनाई जा सकती है। चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मार्केट्स पे और काउंटर स्पेसिफिक व्यू देने के लिए। किरण आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे फाइनल ट्रेड में जानेंगे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट।